प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना फिट इंडिया के तहत 2 नवंबर तक सरहदी जिले जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से भारतीय तिब्बत पुलिस और खेल मंत्रालय के द्वारा 200 किलोमीटर की वॉकथन का आयोजन किया जा रहा है। बीएसएफ के इस कार्यक्रम का केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रिजिजू ने उद्घाटन किया। भारत में आपको बता दें कि पहली बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रेगिस्तानी क्षेत्र में 200 किलोमीटर का वॉकथन आयोजित किया जा रहा है, जो कि तनौट माता मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथूवाला गांव से शुरू होकर भारत पाकिस्तान बॉर्डर और इंदिरा केनाल के समीप होते हुए सागरमल गोपा मुख्य शाखा से होते हुए 2 नवंबर को इंदिरा केनाल आरडी 1458 पर 200 किलोमीटर के बाद पूरी होगी। आईटीबीपी के द्वारा जो आयोजित मिशन 200 किलोमीटर वॉकथन फिट इंडिया का कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं तनौट गांव में। जैसलमेर का ये लास्ट बॉर्डर के हम लोग यहाँ पे अभी सब जमा हुए हैं। यहाँ आईटीबीपी के अलावा बीएसएफ ने पूरा जो अरेंजमेंट में साथ दिया और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के प्रतिनिधि सब आए हैं। हमारे साथ में विद्युत जामवाल जो फिटनेस आइकन है, बॉलीवुड एक्टर है, वो भी साथ में स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ इंस्पायर करने के लिए, साथ देने के लिए आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि लोग पार्टिसिपेशन जो है ना बहुत ही उत्साहित तरीके से सब कर रहे हैं, और इसका एक बड़ा संदेश है कि रेगिस्तान के इस रेट के ऊपर चलते चलते 200 किलोमीटर कवर करना वही दर्शाता है कि आप कितना फिट हैं।